ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया सीक्वेंस एंड सीरीज में? एपी पढ़ लिया है, जीपी पढ़ लिया, एचपी पढ़ लिया, ये तीन टॉपिक पढ़ लिए। तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है एजीपी से। ठीक है, एजीपी का फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक जी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो एजीपी ऑप्टेन कैसे होती है? ये भी एक सीरीज है, ये ऑप्टेन कैसे होती है? इट इज ऑप्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग, इट इज ऑप्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन एपी एंड अ जीपी। इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन एपी एंड अ जीपी। जैसे मान लो एक एपी मान लो, से 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन, और एक जीपी मान लो, से जीपी मैं लिख लूँ 3, ये एक जीपी लिख लिया। अब जैसे एपी के फर्स्ट टर्म को जीपी के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो 2 × 3 बना। एपी के सेकंड टर्म को जीपी के सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो 5 × 3 स्क्वायर बना। एपी के थर्ड टर्म को जीपी के थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो 8 × 3 क्यूब बना। तो ऐसे जो सीरीज बनती जाएगी जिसमें एपी वापस बोलो, टर्म, आपका वॉइस लैग वॉइस लैग हो रहा है क्या मेरा? रहा था। नहीं सर, नहीं नो सर, सर, मेरा इश्यू है सर। देखो एजीपी में क्या होता है, जैसे एपी के फर्स्ट टर्म को जीपी के फर्स्ट टर्म से, कोई एक एपी ले ली और कोई एक जीपी ले ली, तो एपी के फर्स्ट टर्म को जीपी के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, एपी के सेकंड टर्म को जीपी के सेकंड टर्म से, एपी के थर्ड टर्म को जीपी के थर्ड टर्म से, तो उससे एक सीरीज बनी। उस सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे? एजीपी। ओके ठीक है। सो अब किसी भी सीरीज में जनरली हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, तो सिमिलरली एजीपी में भी हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एजीपी, उसका फॉर्मूला, और दूसरा सम ऑफ एजीपी। ठीक है, सम ऑफ एजीपी वाली सीरीज, उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ nth टर्म ऑफ एजीपी। सर, एक सेकंड स्क्रॉल सर, एजीपी का मीन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मीन नहीं होता क्या? नहीं, उसके मेन के बारे में बात नहीं की जाती। ठीक है, सर, सर अभी ये क्या, अगर सम एजीपी जैसे पूछा रहेगा तो फिर एपी और जीपी के, तो ये क्या एपी, ये क्या वो देंगे या फिर हमें फाइंड आउट करना रहेगा एजीपी रहेगा? नहीं, एजीपी का सम अलग से एक टेक्निक होती है फाइंड आउट करने की, उस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि एपी का सम फाइंड आउट कर लिया, जीपी का सम फाइंड आउट कर लिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो उससे एजीपी का सम आ जाएगा। दैट इज सर, रॉन्ग। पर nth टर्म वैसे ही होगा ना? हाँ, nth टर्म वैसे होगा। सो पहला पॉइंट था हमारा क्या? पहला पॉइंट यही था, हम लोग को nth टर्म के बारे में डिस्कस करना है।
सर ये जो बताया उसका एक बार समरी दे दो ना, मैं स्टार्टिंग से नहीं था, वो आवाज ही नहीं आ रहा था। देखो एजीपी कैसे ऑप्टेन होता है, एक जैसे मान लो कोई एक एपी है और कोई एक जीपी है, तो एपी के फर्स्ट टर्म को जीपी के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 3 बन गया, वैसे ही एपी के सेकंड टर्म को जीपी के सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई किया, एपी के थर्ड टर्म को जीपी के थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो इससे जो सीरीज बनेगी वो वाली सीरीज एजीपी होती है। अब एजीपी में हम लोग जनरली दो चीज सीखते हैं इस टॉपिक में, nth टर्म ऑफ एजीपी एंड सम ऑफ एजीपी। तो हम लोग nth टर्म ऑफ एजीपी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो nth टर्म ऑफ एजीपी के लिए हमारे स्टेप्स क्या क्या होने चाहिए? सबसे पहले स्टेप्स ये होने चाहिए कि फ्रॉम गिवन एजीपी आइडेंटिफाई इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एपी एंड जीपी। ठीक है, जैसे कोई एजीपी भी हुई है सीरीज, तो उसके करस्पॉन्डिंग एपी और जीपी क्या होगा वो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। सर वो कैसे करेंगे आइडेंटिफाई? अच्छा, सबसे पहली बात कि एजीपी अगर लिखा होगा तो वो इसी फॉर्म में लिखा होगा, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब ऐसे नहीं लिखा होगा कि पहले टर्म को 6 लिख दिया, दूसरे टर्म को फिर 5 × 3² 5 × 3 = 45 लिख दिया, फिर तीसरे टर्म को ऐसे ही, ऐसे नहीं लिखा होगा कभी भी तुमको लिखा भी होगा दिया रहेगा एक तरह, हाँ इस फॉर्म में दिया रहेगा, तो वहां से तुम देख के उसके करस्पॉन्डिंग एपी वाली सीरीज और उसकी करस्पॉन्डिंग जीपी वाली सीरीज कौन सी है उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक एग्जाम्पल ले लूं, से 2 × 5, 4 × 15, 6 × 45 एंड सो ऑन। तो देखो इसकी जो एपी है, इसकी ये एक एजीपी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एपी है, करस्पॉन्डिंग एपी जो है वो कौन सी होगी, 2, 4, 6 ।। और इसके करस्पॉन्डिंग जो जीपी है वो कौन कौन सी होगी, 5, 15, 45 एंड ।। अच्छा, जैसे इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है, 3 है, तो 3 एजीपी की करस्पॉन्डिंग जीपी जो होती है उसके कॉमन रेशियो का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, एजीपी की जो करस्पॉन्डिंग जीपी होती है, एजीपी का खुद का तो कॉमन रेशियो तो हो नहीं सकता, एजीपी का खुद का कोई कॉमन रेशियो नहीं हो सकता। एजीपी का अगर खुद का कोई कॉमन रेशियो होता इसका तो ये मतलब होता कि वो तो जीपी हो गई। समझ में आ रही है बात? यस सर। सो एजीपी की जो करस्पॉन्डिंग जीपी है उसका एक कॉमन रेशियो होगा, तो उस कॉमन रेशियो का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है एजीपी में, जो अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये पहले मैंने सिखाया कि फ्रॉम गिवन एजीपी हाउ टू आइडेंटिफाई इट्स करस्पॉन्डिंग एपी एंड जीपी। नाउ द सेकंड पॉइंट इज राइट nth टर्म ऑफ एपी एंड जीपी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, nth टर्म ऑफ एपी निकालना है और nth टर्म ऑफ जीपी निकालना है,
एनेटम ऑफ एजीपी जो होता, एनेटम ऑफ एजीपी जो होता वो क्या होता, एनेटम ऑफ एपी इनटू एनेटम ऑफ जीपी, एपी का एनेटम इनटू जीपी का एनेटम। इस बात से तो सब अग्री करेंगे ना कि एनेटम ऑफ एजीपी, यस सर, एनेटम ऑफ एपी इनटू एनेटम ऑफ जीपी। क्या हम लोग को एनेटम ऑफ एपी निकालने आता है? हाँ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फॉर्मूले से। और एनेटम ऑफ जीपी निकालने आता है? हाँ, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन वाले फॉर्मूले से। ठीक है, यहाँ पे से ए नॉट लिख लेते हैं। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट एनेटम ऑफ ए जीपी। ठीक है, तो अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। फाइंड nth टर्म ऑफ फॉलोइंग एजीपी। चलो जैसे मान लो ये एजीपी है, तो इसका nth टर्म फाइंड करना है। तुम अभी साउंड आ रही है तुमको? हाँ सर, अभी आ रही है। तो कितना पढ़ाया उतना समझ में आया तुमको अभी तक? हाँ सर। चलो बाकी लोग भी करो जल्दी। यस सर, डन। डन सर। अच्छा, वो वाली बुक कैसी है, ब्लैक वाली जो बालाजी की बुक थी? हार्ड है सर। Yes, sir. वो बुक कहा जाता है कि that is one of the toughest book for mathematics. आवाज ब्रेक हुआ। तेरा आवाज ब्रेक हुआ। तुम्हारा साउंड नहीं आया भाई, क्या बोला तुमने? मैं बोल रहा था कि आपका आवाज ब्रेक हो रहा था। सो हम लोग को कोशिश करनी है कि वो जो ब्लैक वाली बुक है बालाजी वाली, उसको मतलब अपने जो मेन एग्जाम है उसके पहले 2 से 3 बार लगा ले।
ठीक है, 2-3 times उस बुक को। सर आप बुक का क्या बोल रहे थे, वापस बताओगे? बुक का मैं ये बोल रहा था कि वो वाली जो बुक है दैट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट बुक फॉर जेई मैथ्स, ठीक है। तो वही कह रहा हूँ कि जेई एग्जाम के पहले तक मिनिमम 2 बार वो बुक लगा लेनी चाहिए, 2 से 3 बार। सर हाँ, टेस्ट कितने बजे है? क्या कल टेस्ट कितने बजे है? कल का टेस्ट वही दोपहर में रखेंगे, और क्या, 3 बजे कह रहा हूँ। सर आप वो थोड़ा ऑर्डर बताओ ना पहले, कौन कौन सा बुक अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन कौन सा बुक अटेंड करना चाहिए। देखो तो पहले बुकलेट या फिर, हाँ पहले बुकलेट, पहले बुकलेट में जिस ऑर्डर में दिया उसी ऑर्डर में, ठीक है। बुकलेट के बाद फिर वंस यू कंप्लीट बुकलेट, उसके बाद जो ये वाली बुक है बालाजी वाली बुक, ठीक है, इसको अटेम्प्ट करो। लेकिन बालाजी वाली बुक तभी छू सकोगे जब ये बुकलेट कंप्लीट अटेम्प्ट कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर लास्ट तक। सर और डीपीपी वाला बुक? हाँ रिवीजन के लिए, डीपीपी वाला बुक रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नॉन इंटीग्रेटेड के हैं तो टाइम का कंस्ट्रेन होता है उनके पास। चलो अच्छा, चलो बताओ इसकी एपी कौन सी होती, इसकी करस्पॉन्डिंग अगर मैं एपी लिखने जाता तो कौन सी होती? सर 3-5-7 3-5-7 अच्छा क्या ऐसा हो सकता था क्या? नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता था, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी तो एपी ही नहीं बन सकती थी। हाँ सर 2 एपी का, तो मैंने एपी ये वाली लिख ली, ठीक है। और जीपी के लिए वो जो प्लस माइनस साइन, हाँ ये जीपी लिख लिया हम लोगों ने। सर मुझे वो एपी वाला पार्ट नहीं समझा, तुम अगर ऐसे लिखो जैसे 3-5-7-9 इसको मैं एपी कंसिडर करूं तो ये तो एपी है ही नहीं ना, क्योंकि जैसे P2-T1-8 बन जाता, 7-5-12 बन जाता, -9-7-16 बन जाता। एपी में तो डिफरेंस सेम होना चाहिए ना। यस सर। तो वो एपी बनती ही नहीं। सर मतलब कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 3-5-7-9। हाँ तो वैसे ही तो लिखा मैंने एपी 3-5-7 में, और जो माइनस टर्म का जो कंट्रीब्यूशन था उसको जीपी वाले में डाल दिया। ओके सर ठीक है। तो देखो एपी का नेट टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब 2n+1। जीपी का नेट टर्म ए, कॉमन रेशियो क्या है -16 raised to n minus 1। हाँ सर -4 का स्क्वायर मतलब 16 ना? नहीं भैया -4 क्यूब है, होल अपॉन 4 है, मतलब तुम ऐसे सोचो ना ये -64/4 है तो ये -16 होता। सर हाँ समझा सर, थैंक यू। ओके इसको अब तुम फर्दर ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रहने दो से। तो nth टर्म ऑफ एजीपी क्या होता, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, सो 2n+1 × 4 × -16 raised to n-1 ये आ जाता। ठीक है
सर एक और क्वेश्चन दे दो ना ऐसा। अब आगे सीखते हैं तो इसमें इसमें इसका एप्लीकेशन आएगा, ठीक है? ओके सर। अब हम लोग आते हैं सम ऑफ एजीपी पे। किस पे आते हैं? सम ऑफ एजीपी वाले टॉपिक पे। तो सम ऑफ एजीपी में क्या है कि इसके स्टेप्स कैसे होंगे? पहला स्टेप तो ये होगा कि राइट द सीरीज हूज सम इज रिक्वायर्ड। राइट द सीरीज उस सम इज रिक्वायर्ड। फिर ऑल्सो राइट nth टर्म कौन है भैया बेटी ऑल्सो राइट nth टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है? फिर थर्ड स्टेप है रेकग्नाइज द कॉरेस्पॉन्डिंग जीपी एंड इट्स कॉमन रेशियो। फिर फोर्थ स्टेप है मल्टीप्लाई the sum equation with r, r मतलब common ratio, by shifting of one term, shifting of one term just as we did GP. in GP, just as we did in GP. Then fifth step है subtract। तो sum के बाद equation लिखा है ना? हाँ। subtract both the equation, ठीक है? इसको एक बार लिखो। लिख लिया? यस सर। ओके, तो मतलब मैंने एक आउटलाइन दी है कि कैसे करना है, अब प्रोसीजर समझाता हूँ मैं तुम लोग को। तो देखो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा दिखेगा लेकिन तुम ध्यान से समझते जाओगे तो बहुत कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। जैसे मान लो कि मेरे को ऐसा लिखना है 2 into 3 प्लस 5 into 3 स्क्वायर प्लस 8 into 3 क्यूब, ऐसे ही n टर्म्स तक का सम लिखना है हमको, ठीक है? तो अब सॉल्यूशन मैं क्या करूंगा, जैसे इस सम को s मान लिया 2 into 3 प्लस 5 into 3 स्क्वायर प्लस 8 into 3 क्यूब एंड सो ऑन। अब उसके बाद मैंने पहला स्टेप क्या लिखा था,
write the series whose sum is required. Also write the nth term of the series. तो यहाँ पे जो nth term होता वो क्या होता, देखो इसकी AP 258 है, इसका जो nth term होता वो 3n-1 होता, और nth term of GP वो 3n होता, वो तो तुम पैटर्न देख के ही पहचान सकते हो, समझ में आया, इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. अच्छा इसकी जो जीपी है, इसकी फिर मैंने क्या कहा था कि इसकी जीपी को तुमको रिकॉग्नाइज करना है और उसके कॉमन रेशियो को, इसकी जीपी जो है वो 3 3² 3³ है, मतलब इस जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, 3 है. तो अब हमको क्या करना होगा, इससे दिस इज इक्वेशन वन, अब इक्वेशन वन में दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3, मतलब एक तरीके से कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं 3s. अब 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा, अच्छा जैसे 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे लिखने की बजाय मैं यहां पे लिखूंगा, ऐसा ही तो हम लोग जीपी के प्रूफ में भी करते थे ना, 2 × 3² वैसे इसको मैं इधर लिखूंगा 2 × 3³ ऐसे ही. इससे पहले देखो कौन आता, इससे पहले जो है देखो 5 × 3³ आएगा ना. यस सॉरी सॉरी 8 है 5 है, तो 3 इससे कम, मतलब 3n-4 × 3n, ये कहां से आया होता, ये इसके जस्ट पहले वाले टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करने पाया होता, विल यू ऑल अग्री? यस सर. प्लस अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसके बाहर निकल जाएगा थोड़ा, तो दैट विल बिकम, एक मिनट रुको, 3n-1 × 3n+1 की वन, हाँ ये वाला जो टर्म होता ना उसका ये वाला जो कोफिशियंट होता वो 3n-4 होता, कैसे पता, देखो 8 से जस्ट पहले वाले का कोफिशियंट क्या था, 5 था, मतलब 3 कम, तो इससे 3 कम क्या होता, 3n-4 होता. ओके सर, ठीक है, ओके. अब देखो, अब मैंने मेरे को दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता, इधर s-3s-2s फंस जाता, अच्छा इसके नीचे तो कोई नहीं है, इसको 2 × 3 लिख लिए होते, अब कुछ लोग होते जिनके ऊपर नीचे कोई ना कोई आ रहा है, जैसे इसके ऊपर नीचे, इसके ऊपर नीचे, इसके ऊपर नीचे कोई ना कोई है. अब देखो दिस माइनस दिस जब करोगे ब्रैकेट ओपन कर लो तो 5 × 3² - 2 × 3² मतलब वो 3 × 3² बनेगा, कॉमन डिफरेंस. फिर दिस माइनस दिस जब करोगे तो वो 3 × 3³ बनेगा, ऐसे ही दिस माइनस दिस जब करोगे तो वो 3 × 3⁻ बनेगा. अब मैंने ब्रैकेट क्लोज कर लिया, तो ब्रैकेट ओपन कहां पे किया था, वहां पे ओपन किया था जहां पे ऊपर नीचे आना स्टार्ट हुए थे, और क्लोज कहां पे किया, जहां पे ऊपर नीचे आना बंद हो गए एंड पे. अब इसके ऊपर तो कोई है नहीं, इस बंदे के ऊपर, तो ऐसे लिख लिया -3n-1 × 3⁻¹
देखो यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये वाला टर्म, इतनी बात समझ में आई? यस ओके सर, एक बार वापस समझाओ सर, कॉपी करना है सर, एक मिनट. अब देखो ये क्या हो गया, माइनस टू एस इज इक्वल टू, अब देखो जो लोग ब्रैकेट के बाहर है उनको साथ में ले लिया. माइनस क्यों है? हाँ ये माइनस में क्यों आया? क्या पूछ रहे हो? क्योंकि हम लोग फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हैं ना, तो जैसे तुम ऐसे समझ लो कि ऊपर जीरो था, इसके ऊपर जीरो था, तो जीरो माइनस दिस तो माइनस आ गया सर. हाँ सर, थ्री एन माइनस वन को भी मल्टीप्लाई बाय थ्री करना पड़ेगा ना. तो वो थ्री में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे पावर में वन ऐड हो गया, थ्री रेस टू एन था और यहाँ पे थ्री रेस टू एन प्लस वन हो गया. अच्छा यस सर, सर ने उसके, अच्छा सब ऐसे ऐड हुए. यस सर समझा. ठीक है, अब टू इंटू थ्री माइनस थ्री एन माइनस वन इंटू थ्री रेस टू एन प्लस वन प्लस, अब तुम अगर ब्रैकेट ऑब्जर्व करो तो मैंने थ्री कॉमन ले लिया, तो थ्री स्क्वायर प्लस थ्री क्यूब टिल थ्री रेस टू एन बन जाता. अब ये क्या है, ये वाली ब्रैकेट जीपी का सम है, ये वाला ब्रैकेट क्या है, जीपी का सम है. अच्छा इस वाले ब्रैकेट में टर्म्स कितने हैं? तो देखो ये पावर टू से स्टार्ट हुआ, या फिर तुम ऐसे सोच सकते हो कि ब्रैकेट के टर्म्स ऐसे बनते हैं, जिनके ऊपर नीचे है उनके वजह से ब्रैकेट के टर्म्स बनते हैं. तो देखो ब्रैकेट ऊपर नीचे कौन से है, यहां से लेके यहां तक ऊपर नीचे है. अब पूरा यहां से लेके यहां तक तो n टर्म्स थे, अब इस बिचारी को छोड़ दिया तो बचे कितने, यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स बचे, n माइनस वन टर्म्स. तो ये जीपी का सम है जिसमें n माइनस वन टर्म्स है. दिस इज व्हाट, माइनस टू एस इज इक्वल टू टू इंटू थ्री माइनस थ्री एन माइनस वन इंटू थ्री रेस टू एन प्लस वन प्लस थ्री. अब ये सम ऑफ जीपी है, इसका a क्या है, a है थ्री स्क्वायर. कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो थ्री रेस टू नंबर ऑफ टर्म्स, एन माइनस वन माइनस वन होल अपॉन आर माइनस वन, आर माइनस वन मतलब थ्री माइनस वन. सो ये क्या आ गया, माइनस टू एस आ गया. तो बस अब एस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा एक तरीके से माइनस वन बाय टू, टू इंटू थ्री सिक्स माइनस थ्री एन माइनस वन इंटू थ्री रेस टू एन प्लस वन प्लस थ्री इंटू थ्री स्क्वायर ट्वेंटी सेवन बाय टू थ्री रेस टू एन माइनस वन माइनस वन. अच्छा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, बस यही हम लोग आंसर लिखेंगे. सर इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला नहीं है ना? इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला नहीं है, ये जनरलाइज्ड प्रोसीजर है. प्रोसीजर है, हाँ ये प्रोसीजर है. अच्छा क्या कहते हैं कि जेई में तो इतना लंबा क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा इसमें. तो इसी टेक्निक के बेसिस पे कुछ और क्वेश्चंस आते हैं जो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, एजीपी के ही क्वेश्चंस होते हैं लेकिन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, तो वो मैं तुमको बताता हूँ. पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लो. सर
सर स्क्रॉल अप करो ना सर, वो रेड से लिखा है वो पार्ट कैसा आया? वो जो है दिस माइनस दिस 5 × 3² माइनस 2 × 3² 5 × 3² माइनस 2 × 3² तो 3² तो कॉमन आ जाएगा 5 − 3 3 यस सर ठीक है तो और बताओ सर इधर रुको ना एक मिनट लिखना है सर वो साइड पे 3n माइनस क्या लिखा है 3n − 1 × 3⁻¹ सर उसके ऊपर वाले का कहा इसका हाँ क्या ना हाँ वहाँ ही सर देखो ये कैसे ऑप्टेन हुआ ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे ऑप्टेन हुआ तो 3n − 1 तो होता ही और 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3⁻¹ हो जाता स्क्रॉल डाउन सर बोलो हमने सबट्रैक्ट करने के बाद क्या किया एक बार बताओ ना सबट्रैक्ट करने के बाद ये बन गया पूरा ठीक है अब जो ब्रैकेट वाली सीरीज है वो सम ऑफ जीपी है जो नॉन ब्रैकेट वाले हैं उनको एक साथ ले लिया ये ले लिया और जो ब्रैकेट वाली सीरीज है वो सम ऑफ जीपी है तो उसमें सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाया ये और जो नॉन ब्रैकेट वाले हैं उसको एज इट इज लिख दिया फिर इस माइनस टू को नीचे लेके आ गया ठीक है ओके सर सर हम हर क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे ना मतलब इसी प्रोसीजर से हाँ हाँ एजीपी वाले क्वेश्चन को ओके सर थैंक यू सर सर वो एन माइनस टर्म क्यों है देखो एन माइनस टर्म क्यों है क्योंकि तुम ऐसे समझो कौन सा कलर यूज करो समझ नहीं आ रहा पिंक यूज करो सर पिंक नहीं है सर पिंक यूज करता अगर तुमको पिंक पसंद है यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने टर्म्स होते हैं पूरी सीरीज होती एन टर्म्स होते हैं yes, अच्छा ब्रैकेट किसके वजह से बना है जो येलो शेड किया है ना मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक उसके वजह से ब्रैकेट बना है yes, तो एक टर्म मिस हो रहा था उस ब्रैकेट में अच्छा इसलिए एन माइनस इसलिए n माइनस वन टर्म ठीक है सर थैंक यू सर ठीक है तो प्रोसीजर क्या है बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ठीक है प्रोसीजर में जो एक मिनट प्रोसीजर में क्या है जो सीरीज है उसके सम को से एस कह दिया जनरली एनथ टर्म नहीं दिया होगा कि एनथ टर्म क्या है तो उसका एनथ टर्म निकाल लिया जैसे हम लोगों ने कहाँ निकाला यहाँ निकाला था यहाँ निकाला था
फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि उस एजीपी की जो करस्पॉन्डिंग जीपी है, ठीक है, उसके कॉमन रेशियो के साथ मल्टीप्लाई किया इक्वेशन वन को, दोनों एक टर्म शिफ्ट करके, ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हुआ, फिर दोनों फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हुआ, इधर 2 × 3 बन गया, और जितने ब्रैकेट वाले टर्म्स है, ब्रैकेट वाले टर्म्स कब आएंगे, जब ऊपर वाले के नीचे कोई हो, जो ब्रैकेट वाले टर्म्स है वो ऑटोमेटिकली एक जीपी बनेंगे, तो एक एक्सट्रीम में ये बचेगा और एक एक्सट्रीम में ये बचेगा, इनको तुमको अलग से लेना है, ठीक है, तो इनको मैंने जैसे अलग से ले लिया, और जो सम ऑफ जीपी वाले टर्म्स है उसमें जीपी का सम लगा दिया, उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो एन माइनस वन होंगे, वो क्यों, उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, बस उसके बाद तुमको कुछ नहीं करना, एस के कोफिशिएंट को इधर लेके आना है और एस को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, तो अभी सबको समझ में आया, रिश्ता तुमको आया समझ में, यस सर, यस सर, चलो बाकी सबको क्लियर है ना, एक बार कमेंट कर दो चैट बॉक्स में, हाउ मेनी मार्क्स विल बी द टेस्ट, कितने मार्क्स का होगा, अराउंड 35 क्वेश्चन है, ठीक है, 35 × 4 कर लो, मेन एग्जाम मतलब सीए या जेई, सर वो जाने दो, वो बहुत पहले का है, सेकंड लास्ट स्टेप में ये वाला, इसमें ये फॉर्मूला लगाया सम ऑफ बी होल अपॉन आर माइनस वन बी, तो होता है ना ए इंटू, अच्छा ठीक है, ओके सर, कल के टेस्ट में कहाँ तक आएगा, एपी जीपी एचपी, ये नहीं आएगा ना, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग, अच्छा अब एक टर्म होता है, मतलब वैसे तो ये तुमको किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन मतलब हम लोग अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये टर्म डिफाइन कर दिए, इनफाइनाइट डिक्रीजिंग एजीपी, मतलब ऐसा जैसा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करता, तो इनफाइनाइट डिक्रीजिंग एजीपी का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट से मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो, ठीक है, नेवर एंडिंग सीरीज, फिर ए जी पी है, मतलब ए जी पी तो हो ही, उसके बाद एक मिनट, मोहित हाँ, उसके बाद जो है डिक्रीजिंग का क्या मतलब है, डिक्रीजिंग का ये मतलब है कि जो करस्पॉन्डिंग जीपी हो वो खुद एक डिक्रीजिंग जीपी हो, जो करस्पॉन्डिंग जीपी हो वो कैसी हो, एक डिक्रीजिंग, अच्छा कोई जीपी डिक्रीजिंग कब होती है, कॉमन रेशियो से कैसे पता करेंगे हम लोग, 0 से 1 के बीच में, नहीं माइनस माइनस 1 से 1 के बीच में, और जीपी में कभी भी आर की वैल्यू तो 0 होती नहीं, ये तो बता चुके हम, यस सर, ठीक है, तो मैं किसी एजीपी को इनफाइनाइट डिक्रीजिंग एजीपी कब कहूंगा, जब उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो और उसकी जो जीपी हो
जीपी हो उसका कॉमन रेशियो माइनस वन से वन के बीच में आ रहा हूँ तो हेलो सर हाँ, आ रहा है। सर सम के बाद आपने क्या बताया एक बार सिर्फ बताओ ना कौन से सम के बाद सम ऑफ एजीपी के बाद सर इनफाइनाइट डिक्रीजिंग वैल्यू मतलब यहाँ तक तो तुमने देख लिया ना ये सम ऑफ जीपी एजीपी देख लिया हाँ यहाँ तक देख लिया आई थिंक ये अभी ये करा रहे हाँ सर इनफाइनाइट डिक्रीजिंग एजीपी देखो उसके नीचे जो लिखा है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो इनफाइनाइट हो okay. और उस एजीपी के जो करस्पॉन्डिंग जीपी हो वो खुद एक डिक्रीजिंग जीपी हो और कोई जीपी डिक्रीजिंग कब होती है जब उसकी आर की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होती है ठीक है तो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि सम ऑफ इनफाइनाइट डिक्रीजिंग एजीपी इज अ फाइनाइट वैल्यू जैसे सम ऑफ इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी जो है वो फाइनाइट वैल्यू होती थी वैसे ही सम ऑफ इनफाइनाइट डिक्रीजिंग एजीपी क्या होता है वो एक फाइनाइट वैल्यू होता है तो जो मेन क्वेश्चन आता है एजीपी से अगर क्वेश्चन आता है तो वो सम ऑफ इनफाइनाइट डिक्रीजिंग एजीपी से क्वेश्चन आता है अच्छा प्रोसीजर टू फाइंड सम इज सेम एज अबव सेम एज अबव ठीक है और इनफैक्ट उससे कम इनफैक्ट उससे कम सर कम कैसे कम क्योंकि उसमें बहुत कम कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ बोलो जितना मैंने बताया उतनी इंफॉर्मेशन से तुमसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको ट्राई करो तुम लोग ठीक है ये डॉट 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 देन फाइंड द सम ऑफ अबव सीरीज अच्छा इसमें तुमको nth टर्म लिखने की जरूरत नहीं ठीक है इसमें तुमको nth टर्म लिखने की जरूरत नहीं है चलो खुद से करो इसको सर थोड़ा ऊपर करो ना सर क्वेश्चन
यस सर कम कैलकुलेशन हो गया यस देखो कितना इजी है सर आंसर 5 है क्या 5 5 होना चाहिए आंसर इस 5 किसका इसका है आंसर 5 तन्मय का आया और किसका आया आदित्य का आदित्य का पूरा नाम क्या है आदित्य सर आदित्य प्रभाकर बहुत सारे आदित्य हैं सर सरनेम डाल देते कीबोर्ड में तो आदित्य है जिंदल आदित्य जिंदल आदित्य नेगी इसमें उसमें नहीं ये सर है कोई आदित्य नेगी मोहित का आया ओम का आया देखो लेट्स डू इट तो जैसे एस को मैंने ऐसे लिख लिया 3 × 1/2 प्लस 5 × 1/2 स्क्वायर प्लस 7 × 1/2 क्यूब एंड सो ऑन ठीक है इसमें एनर्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं है देखो इसकी जो जीपी होती वो क्या होती 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब प्लस जीपी का कॉमन रेशियो क्या होता हाफ होता हाफ तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया एक टर्म शिफ्ट करके सेम प्रोसीजर एंड डॉट 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 अब सब्ट्रैक्ट कर दो क्या कर दो सब्ट्रैक्ट तो s माइनस s बाय टू इज s बाय टू इधर जो है 3/2 बन गया अच्छा अब सबके ऊपर और नीचे कोई ना कोई है होगा क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स तक है yes. इसका ब्रैकेट स्टार्ट हो गया ये जो है 2 × 1/2 स्क्वायर फिर ये जो है 2 × 1/2 क्यूब अगला जो है 2 × 1/2 raised to 4 डॉट 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 ठीक है ये भी डॉट 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक होगा अब जैसे से तुमने 2 से कैंसिल भी कर दिया तो 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब एंड सो ऑन अब ये क्या है ये तो सम ऑफ इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी है और इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी का सम क्या होता है a upon 1 minus r देखो भाई फॉर्मूले याद होने पड़ेंगे याद करने पड़ेंगे इसके अलावा गुजारा नहीं है और ऐसा तो है नहीं कि यार मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं गिने चुने फॉर्मूले होते हैं अब इसको इक्वेट कर दिया s by 2 is equal to 5 by 2 which implies s is equal to 5 अपना आंसर सर इसमें वो जो हम लिखते हैं ना लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन वो वाला स्टेप क्यों नहीं किया इनफाइनाइट टर्म पता थोड़ी है क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स था एन नहीं पता ना
हाँ सर थैंक यू. नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है. सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? यस ओके. एक और क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन है कि s इज इक्वल टू 1 square plus 2 square into x plus 3 square into x square plus 4 square into x cube and dot dot dot, where x is between minus 1 से plus 1. Where x is between what? Minus 1 से plus 1. Then find s in terms of x. अच्छा ये वाली इंफॉर्मेशन तुम ही बताओ ना किस लिए दी गई होगी क्वेश्चन में. इनफाइनाइट डिक्रीजिंग. क्योंकि नहीं होता तो फिर वो इनफाइनाइट हो जाता आंसर. हाँ ये एक तरीके से डिक्रीजिंग. देखो डॉट 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 लगाने से इनफाइनाइट तो हो ही जाता ये वाली इंफॉर्मेशन, ताकि डिक्रीजिंग जीपी बन रही हो उसलिए दी गई होती ये वाली इंफॉर्मेशन.
क्या आया था ना? सर एस वन माइनस एक्स तो होल स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस टू बाय वन माइनस एक्स क्या एस इनटू वन माइनस एक्स तो होल स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस टू एक्स बाय वन माइनस एक्स ठीक है सबसे पहली बात ये बताओ बच्चों कि क्या ये एजीपी है क्या? नो सर, नो सर, एजीपी नहीं है। एजीपी होने के लिए तो फिर भाई इसको जो है क्या होना पड़ता, एपी होना पड़ता, लेकिन ये एपी थोड़ा है। जैसे ये वन है, ये फोर है, ये नाइन है, ये सिक्सटीन है, सो इट इज नॉट एन एपी। वन फोर नाइन सिक्सटीन थोड़ा एपी होता। चलो चलो वेट करता हूँ। तुम लोग ट्राई करो, तीन मिनट और दूंगा। ठीक है, नहीं नहीं क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर नहीं आएगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो जैसे मान लो इसको एस लिख लिया, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अच्छा जो इसकी जीपी होती है, जीपी तो ऐसी होती वन एक्स एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो जीपी का जो कॉमन रेशियो होता वो तो एक्स होता। तो हम लोग ने सेम प्रोसीजर अपनाया, पूरे इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और एक टर्म शिफ्ट करके लिखा। तो वन स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट। अब सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्टिंग में क्या जाएगा, एस इंटू वन माइनस एक्स, वन स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर, टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, थ्री एक्स,
वी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, फाइव एक्स स्क्वायर, फोर स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर मतलब सिक्सटीन माइनस नाइन, सेवन एक्स क्यूब एंड सो ऑन. ठीक है, अब अगर तुम देखो तो जो ये लिखी हुई है AGP. ये एक AGP है, इट इज एग्जैक्ट एन AGP. तो मान लो कि इसके सम को मैंने S डैश बोल दिया. क्या बोल दिया? S डैश. तो S डैश क्या हो जाता? वन प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स क्यूब एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट. अब अगेन x से मल्टीप्लाई करते और एक टर्म शिफ्ट करके लिखते, x प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट. अब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो तो s डैश इंटू वन माइनस एक्स इज इक्वल टू वन. अब ऊपर नीचे जो लोग आए वो लोग ब्रैकेट बनाना स्टार्ट हो गए. एंड सो ऑन. अब ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट कैसा है? इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी का सम है. तो इसका सम क्या होगा? ए अपॉन वन माइनस आर, कॉमन रेशियो एक्स है. तो अगर तुम वन माइनस एक्स का एलसीएम ले लो तो यू विल बी गेटिंग वन प्लस एक्स. ये किसकी वैल्यू आई? एस डैश इंटू वन माइनस एक्स की वैल्यू है. तो एस डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन प्लस एक्स, और इसको नीचे भेज दिया वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ये तो एस डैश की वैल्यू है. हमारा एस डैश आंसर नहीं है, हमारा आंसर तो क्या है? एस है. तो अगर तुम इस इक्वेशन को देखो तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, s into 1 minus x is equal to s dash, and s dash was 1 plus x whole upon 1 minus x का whole square. अब इस 1 minus x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो s क्या हो जाएगा? 1 plus x whole upon 1 minus x का whole cube. और यही हमारा आंसर हो जाएगा. ओके, समझ में आया सबको? यस सर. यस सर. तो ये ओरिजिनल तो एजीपी नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत हाथ पैर मार के हम लोग ने इसको एजीपी में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, तो एवरीवन प्लीज कमेंट, ये क्लियर है तुम लोग को? यस सर. यस सर. अदर स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी कमेंट करो. सर चैट एनेबल करो. चैट एनेबल तो है बट आपको नहीं आ रही है वो. चलो, तो ये था हमारा एजीपी के बारे में डिस्कशन. अब नेक्स्ट टॉपिक है इनइक्वालिटी. नहीं नहीं, इनइक्वालिटी अभी बहुत बाद में आएगा, अभी कुछ दो तीन फॉर्मूलेज हैं. पहला फॉर्मूला है वन प्लस टू प्लस थ्री टिल एन, इसका सम. दूसरा फॉर्मूला है वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर टिल एन स्क्वायर, इसका सम. और तीसरा फॉर्मूला है वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब टिल एन क्यूब,
इसका सम। ठीक है, तो सबसे पहले इनका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो पहले का फॉर्मूला होता है n into n plus 1 by 2। अच्छा, दूसरे का फॉर्मूला किसी को पता है इस चीज का फॉर्मूला क्या होता है सेकंड वाले का? n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। और थर्ड का फॉर्मूला होता है n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले ये तीनों फॉर्मूला लिख लो लो और जल्दी से याद कर लो। तो मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको ऐसा एक क्वेश्चन व्हाट्सएप किया था। तो लिख लिया सबने, याद हो गए फॉर्मूले? यस सर। ओके, तो सबसे पहली बात कि ये फॉर्मूले कब अप्लाई होंगे, ये फॉर्मूले कब अप्लाई होंगे, जब सीरीज वन से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और जो नंबर्स हैं वो कॉन्सिक्यूटिव हो, जैसे वन के बाद टू आ रहा हो, टू के बाद थ्री वाला टर्म आ रहा हो। सिमिलरली यहाँ पे जैसे वन स्क्वायर के बाद टू स्क्वायर आ रहा हो, टू स्क्वायर के बाद थ्री स्क्वायर आ रहा हो, वन क्यूब के बाद टू क्यूब आ रहा हो, टू क्यूब के बाद थ्री क्यूब आ रहा हो, कॉन्सिक्यूटिव हो। ठीक है, तब ये वाले फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं। ओके, तो इसका अगर प्रूफ देखना है हमको, तो पहले वाले का प्रूफ तो बहुत इजी है। पहले वाले का प्रूफ तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, इट इज सम ऑफ एपी। इस एपी में कितने टर्म्स है? एन टर्म्स है। एन, तो एन बाय टू ए प्लस एल वन प्लस एन, तो जो ये बन गया एक तरीके से। ठीक है, तो ये पहले वाले का प्रूफ हो गया। अच्छा, अब दूसरे वाले का प्रूफ कैसे करना है वो देखते हैं। शिफ्ट करके नहीं, शिफ्ट करके नहीं करना। अब एजीपी खत्म हो गया, अब एजीपी से कोई लेना देना नहीं है हमारा। अब देखो, जैसे मेरे को ये प्रूफ करना है वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, तो मैं तुमको प्रोसीजर बताऊंगा, पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, मैंने एक आइडेंटिटी ली। कौन सी आइडेंटिटी ली? एन प्लस वन का होल क्यूब माइनस एन क्यूब। तो देखो, जब तुम इसको एक्सपेंड करते तो क्या बनता, एन क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन, और ये एन क्यूब जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा होता। एक तरीके से ये एन क्यूब और ये एन क्यूब कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो हम लोग ने मिटा ही दिया। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं? सबसे पहली बात ये बताओ कैसा लिखा जा सकता है, एन प्लस वन का होल क्यूब माइनस एन क्यूब इज दिस। Yes. अब देखो, इसमें जैसे पहले एन की वैल्यू वन पुट करो, तो वन में एन की दोनों साइड पुट करूंगा, तो वन प्लस वन टू क्यूब माइनस वन क्यूब इज इक्वल टू थ्री इंटू वन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन प्लस वन। नाउ पुट एन इज इक्वल टू टू, इसमें जी क्यूब माइनस टू क्यूब, थ्री इंटू टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू प्लस वन, से एन इज इक्वल टू थ्री पुट किया, तो थ्री पुट किया तो फोर क्यूब माइनस थ्री क्यूब, थ्री इंटू थ्री स्क्वायर प्लस थ्री इंटू थ्री प्लस वन। ऐसे ही आखिरी में जाके एन की जगह एन ही रहने दिया, तो इधर क्या बनेगा, एन प्लस वन का होल क्यूब माइनस एन क्यूब इज इक्वल टू थ्री इंटू एन स्क्वायर
प्लस थ्री इंटू एन प्लस वन, ठीक है। तो ये जैसे ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, ये इक्वेशन थ्री है, ऐसे ही ये nth इक्वेशन हो जाता। अब मैंने क्या किया, सारे इक्वेशंस को ऐड कर दिया, ठीक है, सारे इक्वेशंस को ऐड कर दिया। सो एडिंग ऑल द इक्वेशन, जब मैं ऐड करता तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड होते हैं और राइट हैंड साइड आपस में ऐड होते हैं। तो देखो जब लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो रहे होते हैं तो ये टू क्यूब ये टू क्यूब कैंसिल हो रहा होता, ये थ्री क्यूब कैंसिल हो रहा होता, ऐसे ही फोर क्यूब भी कैंसिल हो रहा होता। तो जैसे जिस पैटर्न में कैंसिल हो रहा होता उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये एन क्यूब भी कैंसिल हो गया होता। तो लेफ्ट हैंड साइड बचता कौन, लेफ्ट हैंड साइड ये बचता और ये बचता। तो हम लोग क्या लिखते हैं, एन प्लस वन का होल क्यूब माइनस वन का होल क्यूब मतलब वन। अच्छा अब इसमें ऐड करो, तो इनको पहले आपस में ऐड किया थ्री कॉमन लेके, तो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर टिल एन स्क्वायर। उसके बाद इनको आपस में ऐड किया थ्री कॉमन लेके, वन प्लस टू टिल एन। अच्छा वन को अगर मैं एन टाइम्स ऐड कर दूंगा तो क्या बनेगा, एन, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एन प्लस वन का होल क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू, मान लो इसी को तो हम लोग एस बोल रहे हैं, अभी हमारा टारगेट तो यही निकालना है ना। अच्छा वन प्लस टू प्लस थ्री टिल एन, इसका तो फॉर्मूला ही पता हम लोग को, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू प्लस एन। अब बस तुमको कुछ नहीं करना, इसको उधर लेके चले जाओ और इसको भी इधर लेके चले जाओ, और कुछ एलसीएम वगैरह लोगे कॉमन वगैरह आएगा, तो कॉमन वगैरह आने के बाद एस की वैल्यू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स बन जाएगी। समझ में आया कैसे प्रूफ किया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके सर, आपने वो रफ क्या किया था वास्ते, आपने बोला ये जब नहीं सर, आपने बोला क्या किया आपने, कुछ तो इरेज करा दिया था, कुछ मिटाया था मैंने। हाँ यहाँ पे एन क्यूब आता और यहाँ पे एन क्यूब सब्ट्रैक्ट हो रहा होता, तो वो लोग कैंसिल हो रहे होते, तो वही मैंने ड्रॉप कर दिया था। ओके सर। सर एग्जाम में इसके प्रूफ पूछेंगे कब? नहीं नहीं मेरे ख्याल से नहीं पूछेंगे प्रूफ, तब भी जितना प्रूफ होता है मैं करा देता हूँ, मतलब ऑलमोस्ट मैं 90% प्रूफ करा देता हूँ। यहाँ पे मेरे को लगता है कि यार बहुत लंबा प्रूफ हो जाएगा, उसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही अगर तुमको सिमिलरली इफ यू वांट टू इवेल्युएट वन क्यूब प्लस टू क्यूब टिल एन क्यूब, इसको इवेल्युएट करने के लिए, अब देखो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर टिल एन स्क्वायर को इवेल्युएट करने के लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज की थी, होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज की थी, मतलब एक ज्यादा पावर वाली। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगा, पावर टू फोर वाली, ठीक है। अच्छा एन प्लस वन होल रेस टू फोर, इसका एक्सपेंशन जो है ना अपने बाइनोमियल थ्योरम, एक चैप्टर आता है उसमें पढ़ेंगे, मैं लिख देता हूँ वैसे, एन रेस टू फोर प्लस फोर एन क्यूब प्लस सिक्स एन स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस वन, और ये माइनस एन रेस टू फोर इधर आ गया, तो दे विल गेट कैंसल्ड। फिर अगेन वही दिख रहा है आप कैसे करना है, एक बार तुमको एन की वैल्यू वन पुट करनी होगी, yes, करनी होगी। तो देखो इसका जो है वही हमको रिक्वायर्ड एस दे देगा। अब यहाँ पे जो है वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर टिल एन स्क्वायर बन रहा होता,
वो हम लोग को पिछले वाले क्वेश्चन से पता चल गया, यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n बन रहा होता, वो भी हमको पिछले वाले क्वेश्चन से पता है, और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 ये तो n बन रहा होता। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करता तो कुछ ऐसा बन रहा होता फाइनल में, n प्लस 1 होल रेस टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स s प्लस 6 टाइम्स 1 स्क्वायर टिल n स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस 2 टिल n प्लस n। ठीक है, अब इसको इवेल्युएट कर लो, इसका तो वैल्यू पता है सेकंड फॉर्मूला और ये फर्स्ट फॉर्मूला, तो उससे s आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब टिल n क्यूब वाला। ठीक है, समझ में आया? तो इसका प्रूफ नहीं करने जा रहे, बस हम लोग को तो प्रूफ याद है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो दीज फॉर्मुलेस आर एनफ। ये फॉर्मूला इज देन बस, हाँ फॉर्मूला ही इम्पोर्टेंट है, प्रूफ तो ठीक है, मतलब प्रूफ देख के तुमको लगे, तुमको थोड़ा ये भी आइडिया होगा कि अच्छा ऐसा भी किया जा सकता है, मतलब हो सकता है कि ये टेक्निक तुमको और किसी क्वेश्चन में सॉल्व करने में यूज आ जाए। ठीक है, तो अब इनके ऊपर क्वेश्चंस वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास, आज हम लोग यहीं तक करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर, बाय। Thank you, sir.